कैसा आप सब लोग, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एक स्मार्ट वॉच और एक साइड फोन। तो यहाँ पे आज मैं करने के वाला हूँ, आज आपको मैं दिखाऊंगा कि आप अपनी स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर जो इसकी कॉलिंग वगैरह है उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी स्मार्ट वॉच के थ्रू। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। एक्चुअली इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने दिखाया था कि कैसे आपको सेटअप करना है। यार मैंने पूरा प्रॉपर आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी उस पर इतने कमेंट आए कि मुझे लगा कि एक बार फिर से थोड़ा डिटेलिंग में मैं आपको एक फ्रेश वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँ। अब देखिए इसके लिए आपको करना है क्या, आपको फ़ोन लेना है और अपनी स्मार्ट वॉच लेनी है। स्मार्ट वॉच को करना चालू और यहाँ पे आपको साइड में स्लाइड कर देना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ ब्लूटूथ आपको दिखने का बीटी डायलर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बीटी डायलर पे जाना है और यहाँ पर सर्च न्यू डिवाइस पे क्लिक कर देना है। अब इसकी भी ब्लूटूथ आपको ओपन कर लेनी है अपने फ़ोन की, और यहाँ पर ओपन कर लिया और यहाँ पर आ जाते हैं और इस पे पेयर सर्च न्यू डिवाइस पे जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरा फ़ोन जेनफोन मैक्स प्रो M1, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको फिलहाल अब आपको कनेक्ट करना है, पेयरिंग हो रही है और कनेक्ट होने का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको पेयर पे क्लिक कर देना है। अब जो मेरा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है स्मार्ट वॉच से। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट शेयरिंग की जो परमिशन है वो भी यहाँ पर दे देते हैं। तो वो भी परमिशन मैंने दे दी है, उस परमिशन से हुआ क्या आगे बताऊँगा मैं आपको। अब इसको फिलहाल इसका काम खत्म हो गया, मेरा जो ये कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं वापस से होम पे। अब इस कॉन्टैक्ट से हुआ क्या है कि इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो इसके कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर आ गए होंगे। यहाँ साइड में आपको बीटी पे करना है और नोट कनेक्टिंग पे क्लिक करना है और लोड हो गए मेरे सारे कॉन्टैक्ट जो भी इसमें थे मेरे फ़ोन में, वो सभी यहाँ पर मेरी स्मार्ट वॉच में आ गए हैं। तो मैं उन्हें यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ, वो परमिशन इस चीज़ के लिए थी। अब देखिए इससे कनेक्ट करने से हुआ क्या कि अब मैं अपने इसके जो सॉन्ग्स हैं या इसकी कॉलिंग है अपने इसके थ्रू ऑपरेट कर पाऊँगा। अब सपोज़ मुझे यहाँ जाना है और यहाँ पे कॉल करनी है, तो मैं फिलहाल किसी भी नंबर पे आप कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए कस्टमर केयर को परेशान करता हूँ और 198 पर करना है लोकल कॉल। अब लोकल कॉल क्या है कि लोकल कॉल है आपकी, आपके जो सिम, इसमें सिम पड़ा हुआ है स्मार्ट वॉच में, उसके थ्रू होगी। लेकिन बीटी कॉल क्या है कि आपके इस सिम के थ्रू कॉल होगी। तो बीटी कॉल पर क्लिक करते हैं, प्रोसेसिंग होने देते हैं और उसके बाद देखिए कॉलिंग स्टार्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं मेरी कॉलिंग इस पर स्टार्ट हुई है लेकिन यहाँ पे भी अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से कॉल अगर काट देता हूँ तो यहाँ से कॉल कट जाएगी। तो सिंपल आप इस तरीके से अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं और जो कॉलिंग वगैरह उसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं इसमें सिम डाल के इसकी कॉलिंग यूज़ नहीं कर सकता, तो आप स्मार्ट वॉच में भी सिम डाल के इसकी भी कॉलिंग यूज कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन की भी कॉलिंग यूज़ करते हैं। अब इस पर किसी की कॉल आएगी तो वो इस पर भी शो होगी, यहाँ से भी मैं उसको पिक कर सकता हूँ स्मार्ट वॉच के थ्रू। तो अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप सॉन्ग कैसे प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए साइड में चलते हैं और आपको साइड में स्लाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो प्लेयर और बीटी म्यूजिक। ऑडियो प्लेयर क्या है कि आपकी स्मार्ट वॉच में जो भी सॉन्ग है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर मेमोरी कार्ड नहीं लगाया हुआ, आपको जाना है बीटी म्यूजिक में और यहाँ जाकर आपको थोड़ा सा वेट करना है अपने जो म्यूजिक है वो लोड होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट कर लिया इसको, और यहाँ पर जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है वो देख सकते हैं, यहाँ पर वो देख सकते हैं। अब क्या है, मैंने अभी साउंड को यहाँ पर बंद किया हुआ है क्योंकि यार कॉपीराइट आने का बहुत खतरा रहता है। अब मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो गाना वो चेंज हो गया है, फिर से चेंज हो गया है, और यहाँ पर पॉज प्ले और यहाँ पे मेरी साउंड है, तभी मैंने वो डाउन किया है। तो सिंपल आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का अपने स्मार्ट वॉच के थ्रू, काफ़ी अच्छा है एक्सपीरियंस रहता है। और साथ में एक छोटी सी दिक्कत ये है इसमें कि यार आप ईयरफोन जैक नहीं दिया हुआ है, तो आपको अगर वो कॉलिंग पे बात वगैरह करनी होती है तो इसमें जो स्पीकर है यहाँ पर साइड में देख सकते हैं आप, इसी के थ्रू आपको करनी होती है। तो वो थोड़ी मतलब शोर शराब में सुनाई दे देगी, आप अगर अकेले कमरे में उसमें सुनाई देगी, लेकिन वहाँ पर सभी को सुनाई देगी तो थोड़ी लाउड रहती है। तो यही था एक छोटा सा सेटअप यार, सिंपल था। अब कुछ लोगों की स्मार्ट वॉच में ये जो फीचर है ये था नहीं, ये कनेक्शन था नहीं। तो यार इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर बेस है। आपको स्मार्ट वॉच ऐसी लेनी है जहाँ पर आपका जो मेमोरी कार्ड और सिम सपोर्ट हो और ये चीज़ सपोर्ट हो, वरना तो अगर आप ऐसी वॉच लेते हैं जिसमें सपोर्ट ना हो तो इसमें कुछ आप अपडेट वगैरह भी नहीं कर सकते, इतनी कुछ खास अपडेट नहीं होती है। तो यार ये सॉफ्टवेयर बेस होता है और हार्डवेयर बेस होता है, तो आपको स्मार्ट वॉच ही ऐसी खरीदनी है। वहाँ पर आप बेकार में सवाल पूछते रहते हैं कि कैसे होगा, तो होगा ही नहीं यार। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा सेटअप जहाँ मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको कनेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने दोबारा बनाया था फ्रेश तरीके से, इससे पहले मैंने बना दिया था लेकिन फिर भी वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं थी। लेकिन अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रिप्लाई देकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई ऐसी बात होती है जिस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। साथ में वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, या जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, जल्दी से पर शेयर करिए। और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और मज़ेदार वीडियो में नई चीज़ लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।